जो अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी पीडीए पीडीए करने से थकती नहीं है, आज जब एक 12 वर्षीय निषाद समाज से आने वाली बेटी, संभवतः ये भी पीडीए ही है, उसका बलात्कार होता है, बलात्कारी एक 65 साल का मुईद खान जो समाजवादी पार्टी के फैजाबाद के सांसद के कोर टीम का हिस्सा है, वो न केवल बलात्कार करता है बल्कि वीडियो बनाता है, तो अखिलेश यादव जी आज पीडीए भूलकर इस मुईद खान को क्लीन चिट दे रहे हैं, कह रहे पहले डीएनए टेस्ट करवा दीजिए। क्या 12 वर्षीय बच्ची की बातों पर भरोसा नहीं है? उसके चरित्र पर सवाल उठाए जा रहे हैं। और अखिलेश यादव जी ये बताइए कि यदि डीएनए टेस्ट कराने की आवश्यकता है तो मुईद खान की टीम जो जय सिंह राणा है, जो मोहम्मद राशिद है, वो जाकर उसके परिवार को धमका रहे हैं कि केस वापस लीजिए, ये क्यों किया जा रहा है? और अवधेश प्रसाद जी जो सांसद है वो कहते हैं, जो अपने आप को राजा अयोध्या भी कहते हैं, वो कहते हैं लाखों लोग फोटो लेते हैं हमारे साथ। साहब आपके साथ तो वो बैठे थे, आपकी टीम का हिस्सा है, आपके पदाधिकारी है, अभी तक ऐसे व्यक्ति को निकाला क्यों नहीं गया है? इसका जवाब साफ है कि बॉयज विल बी बॉयज, लड़के हैं तो गलती हो जाती है। और इसी प्रकार से गायत्री प्रजापति तो कन्विक्ट हुए थे, तब भी उनको साथ में लेकर घूमने का और उनके परिवार को टिकट देने का काम भी किया था। आज सवाल यह बनता है कि पीडीए समाज से आने वाली एक बेटी के साथ बलात्कार होता है और अखिलेश यादव जी अभी तक मुईद खान को निकाल नहीं पाते हैं क्योंकि वोट बैंक पीडीए के सामने भारी पड़ गया। और जो लड़की हूं लड़ सकती हूं के खोखले नारे देने वाली प्रियंका वाड्रा, प्रियंका चतुर्वेदी, इंडिया अलायंस की बड़ी नेता ममता बनर्जी, इन लोगों के भी जुबान पर चुप्पी जो है वो सेकुलर सन्नाटा इस प्रकार के बलात्कार पर, ये दिखाता है कि इनको ना दलितों से ना पीडीए से कोई मतलब है, केवल शुद्ध अवसरवादी राजनीति करनी है। बयान दिए हैं और अब तमिलनाडु के परिवहन मंत्री भी इस पूरे इस मामले को लेकर वो राम के नाम पर सवाल खड़े कर रहे हैं। इंडी अलायंस का हिंदू विरोधी सनातन विरोधी चेहरा एक बार फिर से सामने निकल कर आया है, जब डीएमके के परिवहन मंत्री, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, जिन पर वैसे बहुत सारे आरोप लगे हैं, वो कहते हैं प्रभु श्री राम का कोई अस्तित्व नहीं। वैसे कांग्रेस पार्टी की तो ये दिल की बात है क्योंकि 2007 में सोनिया गांधी जी द्वारा संचालित मनमोहन जी की सरकार ने यही हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दिया था, किस प्रकार से राम मंदिर को लटकाना अटकाना भटकाना है, ये कांग्रेस ने षड्यंत्र रचा, हिंदू टेरर, हिंदुत्व आईसिस, बोको हराम, सनातन समाप्ति की बात ये डीएमके इंडिया अलायंस के नेताओं ने की, सनातन को बीमारी कहना। और इंडिया अलायंस के हर एक नेता की बात अगर आप सुने, राहुल गांधी ने कहा हिंदू हिंसक है, राहुल गांधी ने अभी हाल ही में कहा राम जन्मभूमि के आंदोलन को हमने हराया अयोध्या में, अब डीएमके के नेताओं के अलग अलग बयान, समाजवादी पार्टी ने हिंदू धर्म को धोखा, रामचरितमानस को अलग अलग प्रकार से अपमानित करने का काम, आरजेडी ने भी यही किया है, टीएमसी जय श्री राम के खिलाफ अक्सर बोलती है, तो ये दिखाता है कि किस प्रकार से आज पूरी इंडी अलायंस हिंदू विरोधी राम विरोधी चेहरा अपनाए हुए हैं। क्या ये मोहब्बत की दुकान है? राहुल गांधी जी को बताना चाहिए, पार्लियामेंट में तो वो शिव की बारात की बात करते हैं, तो शिव जी की बारात की बात करने वाले राहुल गांधी जो अपने आप को जन्युधारी ब्राह्मण कहते हैं, आज वो बताए कि प्रभु श्री राम का अस्तित्व नहीं है, इस बयान पर कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है? अखिल गिरी जो है महिलाओं को थ्रेटन करते हुए, एक लेडी ऑफिसर को थ्रेटन करते हुए नजर आ रहे हैं। एक महिला फॉरेस्ट ऑफिसर जब संविधान के तहत कानून के तहत अपना काम करते हुए अतिक्रमण हटाने जाती है, तो वहां के मंत्री ममता दीदी के जो बताए जाते हैं राइट हैंड मंत्री, जिन्होंने इससे पहले द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति जो आदिवासी समाज से आती है उनके ऊपर बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, वो इस ऑफिसर को धमकाते हुए कहते हैं कि तुम रात को घर नहीं जा पाओगी, तुम यदि इसमें दखल अंदाजी करोगी तो तुम्हें लकड़ी से पीटा जाएगा। उसे गालियां देते हैं, उसे धमकाते हैं, उसके साथ अभद्रता करते हैं। ये दिखाता है कि आज पश्चिम बंगाल में मां माटी मानुष नहीं, केवल और केवल बलात्कारी बचाओ, भ्रष्टाचारी बचाओ, और जो गुंडागर्दी करते हैं उनको बचाओ चल रहा है। इसीलिए संदेश खाली में हिंदू महिलाओं का बलात्कार होता है, ये शाहजहां को बचाते हैं। उत्तर दिनाजपुर में महिला के साथ तालिबानी व्यवहार किया जाता है, वो ताजमहल को बचाते हैं। और अब अखिल गिरी ने जो बयान दिया है, क्या ममता दीदी ऐसे मंत्री को अब भी जारी करने रहने देगी, अब भी मंत्री रहने देगी, या उनके ऊपर कार्रवाई करेगी? महुआ मोइत्रा और सागरिका घोष वैसे तो पूरे देश को उपदेश देते हैं महिला विषयों पर,
पर स्वाति मालीवाल, संदेश खाली, जो 12 साल की बच्ची का बलात्कार हुआ अयोध्या में उस पर, और अखिल गिरी के बर्ताव पर वो चुप क्यों रह जाते हैं? इंडिया अलायंस के बड़े नेताओं को भी इस पर खुलकर बोलना चाहिए। अधीर रंजन जी बोलते थे कल तक, पर उनको तो अब कांग्रेस पार्टी ने किनारा कर दिया। टुडे अखिलेश यादव जी, हु ऑफन स्पीक्स अबाउट पीडीए पीडीए, हैज लेट डाउन अ 12 ईयर ओल्ड गर्ल हु कम्स फ्रॉम निषाद समाज, हु इज पार्ट ऑफ पीडीए, ओनली बिकॉज ही हैज टू डिफेंड द वोट बैंक इन द फॉर्म ऑफ मोहित खान, हु इज द समाजवादी पार्टी लीडर, हु इज अ 65 ईयर ओल्ड पीडोफाइल हु हैज रेप्ड अ 12 ईयर ओल्ड गर्ल एंड हैज मेड वीडियोज अबाउट इट, एंड शेमलेसली इट इज बीइंग डिफेंडेड बाय समाजवादी पार्टी लीडर्स। दे आर सेइंग डू डीएनए टेस्ट, if dna test is required that means you are questioning the character of the 12 year old girl. Today the fact is that the Mohit Khan's team has gone and threatened the family of the minor to withdraw the case. Case has been booked against them also. When Faizabad mp, who calls himself Raja Ayodhya, Avdesh Prasad, was asked about this leader's closeness to him, he has said that lakhs of people take photos with me, but he has not answered as to why this leader of Samajwadi party has not been removed. The answer is very simple. Boys will be boys mindset of Samajwadi Party. They have defended rapists. They in the past have justified such kinds of actions on women. Gayatri Prajapati was convicted in POXO matter, but he was still given all kinds of positions and his family members were given tickets. Samajwadi Party ka haath balatkariyon ke saath, and PDA has gone out of the window because of vote bank politics. What is surprising, however, is that ladki hoon lad sakti hoon kehne wali Priyanka Vadra is quiet. Rahul Gandhi is quiet. ममता दीदी इज क्वाइट, सागरिका घोष इज क्वाइट, महुआ मोहित्रा इज क्वाइट। टुडे दे मस्ट ऑल्सो टेल अस, विल दे स्पीक अप और विल दे रिमेन एलोक्वेंटली क्वाइट लाइक दे हैव रिमेन्ड इन द केस ऑफ संदेश खाली। वोट बैंक की मिले ताली इसलिए हिंदू को दो गाली इज द स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर of the Indy Alliance, and as part of that, DMK Neta has once again questioned the existence of Prabhu Shri Ram. It shows that the Alliance has only one common agenda, abuse Hindus and Sanatan Dharma. This is the same DMK which said Sanatan should be eliminated, Sanatan is a bimari. Congress in 2007 had questioned existence of Shri Ram. They wanted to break Ram Setu, they opposed Ram Mandir, they say Hindus are terrorists, RSS and Hindu is like ISIS and Boko Haram. They have time and again questioned Ramcharitmanas also. The Samajwadi Party, RJD, have made despicable comments on Ram Mandir, on Hindu Dharma. TMC has opposed Jai Shri Ram. So the entire alliance has the same character, that for vote bank politics, they abuse Hindus. Today the question is that Rahul Gandhi in Parliament talks about Shivji ki Barat. He says, I'm Janyudhari Hindu. If so, then he must tell us whether he will break his relations with DMK or whether he considers such statements to be Mohabbat ki Dukaan. The manner in which Mamata Banerjee's right-hand minister Akhil Giri has threatened a forest officer on duty who was trying to remove the encroachments and has abused her, he has threatened to kill her, cause harm to her, he has told her all kinds of bad words, it shows that today there is no Ma Mati Manush in West Bengal. It is only Balatkari Bachao, Gunda Bachao, Bhrashtachari Bachao. This minister has also said many objectionable things about our first Adivasi president Draupadi Murmuji. At that time too, Mamata Banerjee did not remove her. Now the question is, will Mamata Banerjee continue with such a minister? It is seen that in West Bengal, Shahjahan is given protection when he rapes Hindu women in Sandesh Khali. We have seen Tajmul getting protection when he does Talibani style beating of women in Uttar Dimnajpur. And now such a minister is in the cabinet. Will Sagarika Ghosh, Mahua Moitra, Priyanka Chaturvedi, Priyanka Gandhi, will they open their mouth and condemn this and ask for his removal?